आज का सीन ये है कि हम लोग आ गए हैं ओखा में, माधवपुर बीच। ये जो बीच पड़ता है, ये ओखा एक प्लेस है वहाँ पड़ता है, और बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सा ये बीच है। यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे आप सैंड राइड भी कर सकते हैं, कैमल राइड भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। पहले हम तो फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं क्योंकि इतना प्यारा बीच यार, और बहुत क्लीन है यार, सच में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे धूप बहुत है तो इसलिए सब कर लिया है, लेकिन यहाँ से देखो लोकेशन कितना प्यारा है इस बीच का। पीछे सैंड राइड हो रहा है, कितना प्यारा बीच है यार, कितना क्लियर बीच है। हम लोग अब सोमनाथ से जो द्वारका है वहाँ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि द्वारका का भी हमारा बुक था, पहले ट्रेन था तो ट्रेन कैंसिल करके हम लोग बाय कार बुक करके आए हैं, क्योंकि कार से ये स्पॉट मिलता है और ट्रेन से ये स्पॉट मिस होता है। मिस आउट बिल्कुल मत करना, पूरा व्लॉग देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रीसेंट अपडेट मिले। और एक चीज़ और, आप जब इस व्लॉग को देख रहे होगे तब हो सकता है क्या पता मैं अपने कॉलेज लाइफ में हूँ, या फिर जो मेरा एक ट्रिप भी बन रहा है, तो क्या पता ये हमारे प्रिंस भैया एडवेंचर करते हुए कैमल के ऊपर बैठ गए हैं, और भैया का कैमल है ये, और अब मैं जा रहा हूँ। तो हम और ये बैठ गए कैमल पे और ये कैमल उठ गया। ओह ऐसा वैसा बहुत हाइट है ये, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है। देखो पीछे का इसका जो चार्ज है वो 250 रुपीज़ है आपका एक कैमल को बुक करने का पूरा, और ऐसा आप इंजॉय हमारी तरह कर सकते हैं इसमें बैठ के। इधर देखो, बताओ कैसा लग रहा है? इधर डर लग रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है। बाइक्स आपको यहाँ मिलता है राइड करने के लिए माउंटेन राइड, और इसका जो चार्जेस है ये अराउंड 150 रुपीज़ सिंगल पर्सन एंड 200 रुपीज़ फॉर डोलो, एंड आप यहाँ से ले जा सकते हैं वहाँ लास्ट पॉइंट तक, एंड वहाँ से आपको वापस लाना होता है। फिलहाल हम लोग आ गए हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था गांधी आश्रम, वहाँ पर ये देखिए मेरे पीछे पूरा ये गांधी आश्रम है, और यहाँ पे आपको गांधी जी से रिलेटेड उनकी पूरी बायोग्राफी, उनके बचपन से लेके और उनके एंड तक का सारी फ़ोटोज़ और सारी मेमोरीज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो हम भी अभी देख रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी का फ़ोटो है, वो फ़ोटो देखा मैंने, अब आप लोग को दिखाता हूँ बैक कैमरे से। अच्छा प्लेस है विजिट करने के लिए, आप आ सकते हो, आपको अगर हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव हो और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो। यहाँ पे पूरा फोटोज़ वगैरह है, आप ये देखिए फोटोज़ रहता है ये। सो ये फ़ोटो है गांधी जी एट द एज ऑफ 7, ये उनका फ़ोटो है, एंड ये जो है 1876 का फ़ोटो है, इसके बाद 1886 का ये फ़ोटो है। गांधी जी की जो मदर जी हैं पुतली बाई जी, उनके जो फादर जी हैं श्री करमचंद गांधी, उन दोनों का फोटो है, और ये गांधी जी का घर था जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। यहाँ पे देखिए प्लेस है सामने, महात्मा गांधी, ये बर्थ प्लेस है महात्मा गांधी जी का, ये उनका रूम है पूरा जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था और उनका घर था, पूरा जो चाइल्डहुड था उनका वो यहीं पे रहा। चरखा है जिससे वो कपड़े वगैरह बाइंड एंड बाकी चीज़ें जो करते थे वो चरखा है, एंड ये पूरा फोटो एग्जीबिशन है उनका, यहाँ पे उनकी मेमोरी।
स्टेज के बारे में सारी चीज़ें पूरा रोल और बाकी क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होता था वो सारी एशियन चीज़ें यहाँ पे रखा है स्टोर करके। जब बुक्स हैं क्वान्टिटी ऑफ बुक्स हम देख सकते हैं, बाकी फोटोज़ एज ए मेमोरी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के दौरान जो उन्होंने किया था उनका रोल था।